हे हाय, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो थंबनेल देख के आपको पता चल ही चुका है कि ये ब्लॉग छठ पूजा का ब्लॉग है और मैं अभी जा रही हूँ छठ पूजा देखने के लिए। मेरे घर पे नहीं की जाती है, हम लोग जाते हैं शाम को छठ पूजा देखने। और हमारे घर से सूप दिया जाता है, जो भी लोग मतलब छठ पूजा करते हैं उनको हम लोग सूप दे देते हैं। और अभी यहाँ पर मैं घाट पर पहुँची हूँ। और अभी मम्मी जा रही है अर्घ देने। अगर आप स्टार्टिंग से मेरी वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको शायद मालूम होगा कि मेरी मम्मी और पापा उतने मेरे वीडियो में नहीं आते हैं, क्योंकि उनको पसंद नहीं है। इसीलिए तो आप ये मत सोचिएगा कि ये बंदी अपनी मम्मी पापा के साथ कोई वीडियो नहीं बनाती है या फिर पिक्चर नहीं लेती, क्योंकि उनको पसंद नहीं है। बहुत ही कम शायद पिक्चर या फिर वीडियो शायद आपको देखने को मिलेगी इन फ्यूचर, तो उतना ज़्यादा भी नहीं होगा या मैं आपको बता रही हूँ अभी भी, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे तो। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा जय छठी मैया। अभी पापा जा रहे हैं अर्घ देने के लिए, तो जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स और न्यू व्यूअर्स हैं उनको मैं बता रही हूँ कि मेरे पापा हैं। और अपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो बहुत गलत कर रहे हो यार मेरे साथ, सच्ची बता रही हूँ। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा शेयर करो कि मेरे चैनल को 500 सब्सक्राइबर तक पहुँचा दो। बस और कुछ सब्सक्राइबर और मेरे चैनल पर 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो प्लीज़ प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करवाओ यार प्लीज़। तो चलो शाम हो चुकी यार, हम मतलब मैं मम्मी और पापा हम लोग वापस गए घूमने के लिए। जैसे जैसे शाम होती है, हमारी यहाँ पे जितने भी छठ घाट होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होने लगती है। सबसे ज़्यादा भीड़ होती है मुंशी पोखर, लेकिन अभी हम लोग जा रहे हैं कॉलोनी, मतलब कॉलोनी होकर ही जाते हैं हम लोग मुंशी पोखर। और यहाँ पर उतना ज़्यादा भीड़ नहीं है जितना कि मुंशी पोखर में होगा।
ही खराब हो चुकी थी गर्मी के लिए, ऊपर से मैंने जैकेट डाली हुई थी कि कहीं मुझे ठंड ना लगे, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी लगी कि मत पूछो, पूरा मतलब हुलिया मेरा पूरा बिगड़ चुका था। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़, ऊपर से आइसक्रीम देख के मुझे इतना रोना आ रहा था कि मैं आइसक्रीम नहीं खा सकती हूँ क्योंकि मुझे वापस से ठंड लग जाएगी तो फिर घर से डांट पड़ेगी, तो इसलिए मैं अभी आइसक्रीम को टाटा बाय बाय कह के आगे निकली। तो हम मुंशी पोखर पहुँच चुके हैं और यहाँ पे देख रहे हैं कितना ज़्यादा भीड़ है घाट के पास, और लोगों को बताया भी जाता है कि आप लोग घाट के पास जाके सेल्फी ना लें क्योंकि घाट फिर गंदा हो जाएगा ना, और फिर सुबह भी तो पूजा करेंगे लोग। और यहाँ पे सूर्य भगवान की मूर्ति देखिए कितनी प्यारी बनाई गई है, बहुत ही अच्छा लग रहा था देख के, और डेकोरेशन भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा किया गया था। और यहाँ पर मैंने लिया तिलक, और यहाँ पे मुझे मिली मेरी फ्रेंड। और आपको मैं एक बात बता दूँ कि यहाँ पे किसी एक की शादी होने वाली है, तो उसने अभी से मुझे कह दिया कि नेक्स्ट ईयर से वो छठ पूजा में नहीं आ पाएगी। अभी से सोच लीजिए, मतलब ना दुर्गा पूजा में आ पाएगी, ना शायद दिवाली में आ जाए तो आ जाए, अच्छी बात है, लेकिन छठ पूजा और दुर्गा पूजा तो पहले से ही बता दी कि नहीं आ पाएगी। अब हम वापस जा रहे हैं घर की ओर, लेकिन उससे पहले हम खाएंगे समोसा चाट। और यहाँ पे सेल्फी जोन बनाया गया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता रेड एंड ग्रीन लाइट क्यों देते हैं, पिक्चर अच्छी नहीं आती है इससे, नॉर्मल सा सिंपल लाइट दो। और दुकान में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि आप देख सकते हो मैं कॉर्नर पे ऐसी खड़ी हूँ क्योंकि बैठने की जगह नहीं थी। तो बहुत देर बाद फिर मुझे मिला मेरा समोसा चाट, फिर हम चाट के। और जब मैं दुकान से निकल रही थी तो मुझे दिखी काजू बर्फी, लेकिन ये बड़ी वाली पैकेट सोल्ड थी, तो अंकल ने मुझे कहा कि छोटकू वाली मैं ले सकती हूँ, तो मैंने इसी को लिया। और मुझे काजू बर्फी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मतलब ऐसी कोई मिठाई अगर बोला जाए तो मैं पहला नाम काजू बर्फी का ही दूँगी। उस साइड में बहुत सारे छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए थे, आइसक्रीम थे, पानी पूरी थे, और भी शायद बहुत कुछ होंगे जो मुझे नज़र नहीं आए क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। और वहाँ पे अगर हम कुछ भी खाते तो शायद टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता, तो इसलिए हम आगे बढ़ते गए। और फिर मैं यहाँ पे खाई दही बड़े, और मम्मी ने खाया पानी पूरी, और दही बड़े वाकई में बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है दही बड़े, यानी चटपटा खाना खाओ ओफ मज़ा ही आ जाता है। तो आंटी ने वाकई में बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनाए थे। और यहाँ पे मुझे मिला ऐसा कोई जिसे मैं बचपन पे बहुत ही ज़्यादा मारती थी, पीटती थी, एकदम पूरा थपड़ा लाल कर देती थी, तो ये है नारू, जिनके घर पे हम किराए पे रहते थे। कभी हमें ऐसा लगा नहीं कि ये लोग दूसरे लोग हैं, मतलब अपने नहीं हैं, एक होता ना खून का रिश्ता, लेकिन ये लोग खून के रिश्ते से भी ज़्यादा एक अलग ही थे, मतलब हम लोग इन्हीं को, मतलब इनके जो मम्मी पापा दादा दादी है इनको अपना समझते थे और ये अभी भी हमें अपना समझते हैं, तो एक बॉन्डिंग अलग ही होती है, भले ही हम किराए पे रहते थे इनके घर पे, लेकिन वो रह जाती है। फिर हम यहाँ से चल दिए और रास्ते में हर किसी को मैंने देखा, मतलब उस दिन तो वर्ल्ड कप था तो हर किसी में वर्ल्ड कप का एक अलग ही क्रेज़ था, तो चलो जो हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ, हर किसी का दिल टूटा है। मैंने पटाखे भी बचा के रखे थे कि अगर इंडिया जीतेगी तो हम फोड़ेंगे, लेकिन कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम जस्ट होप कि हम वर्ल्ड कप जीतें। और जब हम घर पे नहीं थे तो ये वफादार हमारी घर की रखवाली कर रहा था, इंसानों से तो बेहतर यही है मेरे लिए, इन्हें थोड़ा सा प्यार दीजिए और बस कुछ टुकड़े ही क्यों ना दे दीजिएगा खाने को, इसी में ये अपनी वफादारी आपके नाम पे बेच देते हैं। थैंक यू सो मच कि आप अभी तक मेरे वीडियो को देख रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। एंड इट्स टाइम टू एंड दिस वीडियो हेयर एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। टाटा बाय बाय।